गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक आज का व्लॉग लाया हूं कि भैया एक छोटी सी चीज़ करने से हम अपनी जान बचा सकते हैं। जान बचाने का सबसे पहला तरीका क्या है भैया, इस गाड़ी में भैया सेफ्टी का क्या यूज़ किया गया। सबसे पहले ध्यान रखना फ्रेंड, जब भी आप इस गाड़ी में बैठते हो आपने ऐसे बैठना है। मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान रखना आप इस गाड़ी में ये पोस्चर लेके बैठेंगे, आपका ये जो स्पाइन है ये बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए सीट के साथ, और ये जो नेक रेस्ट है ये भी लगा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। और एक बात ध्यान रखना, जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी पोजीशन इसी टाइप में होनी चाहिए, और ये जो है आपका स्टीयरिंग और आपके चिन कम से कम 10 से 12 इंच का गैप इसके अंदर होना चाहिए फ्रेंड, ध्यान रखना। पोस्चर आपका ये होना चाहिए, आप सीटिंग होनी चाहिए ये होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, कई लोग भाई बगल वाली सीट पर बैठते हैं और टांग रख लेते सामने, बिल्कुल मत रखना, और क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये ध्यान रखना, जब कभी एक्सीडेंट होता है एयरबैग खुलते हैं तो एयरबैग आसानी से नहीं खुलते, प्रॉपर इम्पैक्ट होने के बाद ही एयरबैग खुलते हैं। जब भी एयरबैग खुलते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर, और जो सामने जो बैलून आता है वो काफ़ी तेज़ी से आता है, मिली सेकेंड्स में आता है। उसके अंदर एक नॉन टॉक्सिक गैस होती है जो भर जाती है, लेकिन जैसे आप वो खुलता है तो फ्यू सेकेंड के बाद ही वो फ्लैट होना शुरू हो जाता है ताकि आपको देखे, और जिसके अंदर से एक गैस भी निकलती है, वाइट वाइट से चूरा निकलता है, और आपको ना ऐसे स्मेल आएगी जैसे कि गाड़ी में आग सी लगे, बर्निंग सी लगेगी, लेकिन वो गाड़ी में स्मेल भी आएगी, धुआं भी देगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, वो जो स्मेल है थोड़े टाइम रहेगी, वो नॉर्मल चीज़ है, आएगी। फटाफट से आपने गाड़ी से बाहर निकलना है, सबको निकालना है बाहर। उसमें जो गैस भरती है वो नॉन टॉक्सिक होती है फ्रेंड, केमिकल रिएक्शन होता है, तो कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, इस गाड़ी के अंदर एक फीचर है, जब पैसेंजर बगल में ना बैठा हो तो आप उसको इस पे जाके आप उसको ऑफ कर सकते हैं, तो आपको एयरबैग खोलने की ज़रूरत, वो वाला जो पैसेंजर नहीं बैठा है तो एयरबैग को ऑफ कर दीजिए, एक्सीडेंट होगा तो एक ही एयरबैग खुलेगा। अपने एयरबैग को आप, वो जो पड़ोसी का एयरबैग है यहाँ लिखा आता है देख लीजिए ऑन, अगर कोई पैसेंजर नहीं बैठा तो आपको क्या करना है, पहले फ्रेंड हमने इसको दबाना है, ये जब तक दबाते रहेंगे जब तक इसके अंदर वो मेन्यू वाला नहीं आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही आ गया अब आपको इसको प्रेस कर रखना है, जैसे प्रेस करके रखा मैंने इसको, वो देखिए वो आ गया, अब आप देखिए ये आ गया AFE ऑटो रीसेट पैसेंजर एयरबैग, आपने इसको क्लिक करना है नीचे की तरफ, वो देखिए जैसे पैसेंजर ए आ गया आप इसको ओके करेंगे, ओके करेंगे तो आप पे ऑप्शन आ गया ऑन या ऑफ, देखिए आ गया। अगर मैं इसको ऑफ पे करता हूँ देखिए ऑफ हो गया ऑफ, लेकिन मैं इसको अभी नहीं करूँगा, मैं इसको ऑन ही रखूँगा फ्रेंड। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाता है कि आपको पैसेंजर का, अब मैं वापस कर देता हूँ, मुझे रखना है इसको और देखता हूँ क्या कहता है उसके अंदर। ये इसमें आ गया ए क्लॉक टाइप फैक्ट्री रीसेट, बस यही चार पांच चीज़ें हैं। तो ये जो एयरबैग है प्लीज़ ध्यान रखना, वैसे तो भगवान करे कभी खुले ही ना, तो एयरबैग का ध्यान रखना है आपने, सामने बंदा बैठा है कभी टांग ऊपर नहीं करेगा, और प्रॉपर। और एक बात और रखना, ये जो पैसेंजर बैठा है को पैसेंजर, जितनी विंड स्क्रीन से जितना पीछे, इससे शीशे से जितना पीछे होके बैठोगे आप, इस डैशबोर्ड से जितना पीछे होके बैठोगे आप, मैं को पैसेंजर बता रहा हूँ, उतना बढ़िया रहेगा। पीछे होके बैठना है आपको, ज़्यादा दूर नहीं बैठना, लेकिन उसकी पोजीशन भी लेटे भी नहीं होनी चाहिए, इसी पोजीशन में रहेगा, तो जब आपका ये खुलता है, हमारा एयरबैग खुलता है तो वो आपके फेस पे आएगा। फेस का क्या मतलब है, वो आपको फेस को बचाता है और आपके चेस्ट को बचाता है, ताकि आप लोगों को ऐसे यूँ जाता है एक्सीडेंट ऐसे होता है तो मुंह ना लगे, चिन ना लगे, और आप सेफ रहें, हेड भी ना लगे, तो ये ध्यान रखना। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी चलती हुई गाड़ी के अंदर स्टेयरिंग को आपने एडजस्ट नहीं करना है। और एक बात, जब आपकी गाड़ी चल रही है तो आपको कभी भी सीट को आगे पीछे नहीं करना है, चलती हुई गाड़ी में नहीं करना है, ऐसे में ना कर लेते पीछे कलर से करते नहीं करना है, आपको करना है गाड़ी को रोकने के बाद आपको सीट को आपको एडजस्ट करना है, और कोशिश करना है कि यहाँ गैप बना रहे, ज़्यादा ये चेस्ट के पास नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा गैप होना चाहिए फ्रेंड। और एक बात का और ध्यान रखना है आपने, कभी भी जब आप गाड़ी चला रहे हो और बीच वाली सीट के ऊपर कोई सामान नहीं रखना है, कुछ भी हैवी सामान नहीं रखेंगे सीट के ऊपर, और इस वाली सीट के नीचे या पीछे भी सामान नहीं रखेंगे, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है आपका बड़ा, जब आप ब्रेक मारते हो, सडन ब्रेक मारते हो, तो आपका सारा सामान आपके ऊपर गिरने के चांसेस होते हैं, तो कभी भी पिछली सीट पे आप ज़्यादा हैवी सामान नहीं रखेंगे, जो सामान रखना है डिग्गी में रखेंगे, पानी की बोतल सीट के नीचे नहीं रखेंगे, क्योंकि जब भी ब्रेक मारेंगे तो आपके ब्रेक के यहाँ पानी की बोतल खाली आके आ सकती है, तो इससे आप करेंगे तो हमारी जान बच सकती है। सीट बेल्ट हमेशा प्रॉपरली पहनेंगे, बिना सीट बेल्ट के हमारे एयर बैग नहीं खुलेंगे, तो सीट बेल्ट आपको पहननी ही पहननी है, आप भी पहनेंगे, पड़ोसी भी पहनेगा,
और नहीं जो नहीं पहनते हैं उनको गाड़ी में बिठाना नहीं आपने। जितने भी हमारी गाड़ी में एयरबैग लगे होते हैं इनको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इन्हें जब खुलना होता है तभी खुल जाते हैं, तो आपको इनको रेगुलर मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन बातों का ध्यान रखोगे तो लाइफ थोड़ी सी हमारी सेफ होएंगी। तो फ्रेंड उम्मीद लगता हूँ कि आप मेरे थोड़े से मेरे को इनपुट अच्छे लगे होंगे कि आपको सेफली कैसे ड्राइव करना है। और इसमें दो एयरबैग हैं, 6 एयरबैग वाली गाड़ी का तो हर जगह से भैया एयरबैग निकालते हैं। और एक बात ध्यान करना भैया, मॉडिफिकेशन वही कराना जो टेक्निकली साउंड लोग हो, क्योंकि एक एयरबैग यहाँ पे एक एयरबैग हुआ है, इसको मैं चेंज ही करा लूँगा भैया, तो हो सकता है कि मालूम ही नहीं पड़ता यार ठीक है नहीं ये, वो तो जब खुलेगी गाड़ी मरी जाएंगे तब क्या फ़ायदा हुआ। तो आप गाड़ी में कोई भी ऐसी मॉडिफिकेशन मत कराओ भैया जहाँ आपकी सेफ्टी से खिलवाड़ होता है, मत कराना। हमें मत ब्लाइंडली फॉलो करो, सही चीज़ ही फॉलो करनी है आपने, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। ये फुल लाइट तो मुझे लगवानी थी फॉग लैंप, ज़्यादा मॉडिफिकेशन मत चेंज करो यार, मत करो। अब ये सीट मैं इसलिए चलो मैं तो करा सकता हूँ क्योंकि तो मेरे दो एयरबैग ही हैं, लेकिन कई बार ना सीटों के अंदर भी एयरबैग होते हैं, यहाँ पे भी एयरबैग होते हैं, तो यहाँ तो फिर आप ज़्यादा मोटिवेशन ना कराएं। बाकी आप देखो दुनिया सारी समझदार है, हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं, सेफ्टी आपके अपने हाथ में। मैं जब गाड़ी चलाता हूँ ना तो मैं सोचता हूँ यार मेरा घर पे कोई इंतज़ार कर रहा है, मेरे बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी बीवी इंतज़ार कर रही है, तो मैं स्लो गाड़ी चलाता हूँ। तो ये मेरा तो ये मानना था कि जो भी भाई मेरा ब्लॉग देख रहा है तो ये सेफ्टी के थोड़े मेजरमेंट कर ले, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत कीमती है भाई। अभी एक सुना है मैंने, पाँच आदमी थे अभी राजस्थान में 17 साल जा रहे थे, और पता नहीं कौन सी गाड़ी थी भाई, अभी कल की बात है, पांचों के पांच पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, पांचों के पांच उस गाड़ी के अंदर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, ओवरटेक कर रहे थे, ओवरटेक करते सामने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा था, ब्रेक लगे नहीं। आप कहते हो भाई जी कौशिक जी 80 भाई मैं 80 स्पीड रखता हूँ, मैं 80 से 90 टपने वाले 80-90 मैक्स टू मैक्स मार लो तो 100 भी राजस्थान गुजरात के लिए अलग जगह के लिए। तो भाई मैं तो 80 वाला आदमी हूँ ताकि ब्रेक तो लग जाए। थैंक गॉड कि मेरी तो इस गाड़ी के ब्रेक अच्छे हैं भैया, तो गाड़ी के ब्रेक भैया चेक कराते रहें, वरना ये जान बहुत कीमती है। पाँचों के पाँच जवान बच्चे, सोचो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो प्यार बनाए रखिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए, और मैं भी अच्छे अच्छे ब्लॉग लाता रहूँगा। अभी तो स्कॉर्पियो एन को बहुत दूर लेके जाना है, बट आपने इतना प्यार दिया मेरे को रन ऑफ कच्छ का, वैसे छोटा और लंबा दोबारा जाऊँगा वहाँ पर, मैं काफ़ी चीज़ें मेरी एक्सप्लोर करनी रह गई है। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग कौशिक ब्लॉग। जय हिंद जय भारत।